Please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon to get notified whenever upload a new video. देशभर में दीपावली के त्योहार को लेकर लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन दीपावली में अहम भूमिका निभाने वाले हाथ से निर्मित दीपक लुप्त होते जा रहे हैं। चाइनीज वस्तुओं के आने से लोगों का मोह रेडीमेड वस्तुओं की ओर बढ़ने लगा है, जिसका खामियाजा कुम्हार समाज को भुगतना पड़ रहा है। सिरोही में दीपों के उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। आबू रोड के कुम्हार मोहल्ले का वातावरण मिट्टी की सौंधी खुशबू से महक उठा है। कुम्हार चाक पर मिट्टी को आकार देने में जुटे हुए हैं। गुंदी हुई मिट्टी से घूमते चाक पर अलग अलग डिजाइन के दीपक, बच्चों के गुल्लक आकार लेने लगे हैं। चाक सुबह से घूमना शुरू होता है और ये सिलसिला देर रात तक जारी रहता है। लेकिन जहां एक और बदलते बाजारीकरण के चलते त्योहारों पर चाइना का रंग चढ़ने लगा है, विभिन्न त्योहारों के अनुरूप चाइनीज सामान की बहुतायात है। इसका एक असर दीपावली पर्व पर देखने को मिल रहा है। चाइनीज दीपक ने भी बाजार में दस्तक दे दी है। आकर्षक डिजाइन में मिलने वाले दीपक लोगों को बरबस अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, जिसके चलते दीपावली पर इनकी बिक्री का ग्राफ बढ़ जाता है। ऐसे में मेहनतकश कुम्हार अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जी पहले तो यानी हमारी ज्यादा सेल होती थी, लेकिन अब बहुत कम सेल होने लगी, क्योंकि चाइना मार्केट आने से हमारा यानी जो है बिजली वगैरह, ये लाइट वगैरह आती है, चाइना के दीपक भी आ रहे हैं आजकल, तो उससे क्या है कि हमारे जो हाथ से हम बनाते हैं और मशीनों से जो बनाते हैं दिए, वो क्या सस्ते पड़ते हैं, तो लोग उसी को खरीदते हैं। और हाथ से बनाए हुए हमारी लागत वगैरह ये सब बहुत ज्यादा होती है, तो लोग क्या है कि लोग, लेकिन फिर भी चलो आज परंपरागत लोग लेते हैं, लेकिन चल जाता है, लेकिन पहले के मुकाबले में अब कम। जहाँ कभी कुम्हारों के परिवार बहुतायात में मिट्टी के उद्योग से जुड़े होते थे, आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब कुछ ही परिवार इस उद्योग में बाकी बचे हैं। आमदनी कम होने से युवाओं ने अन्य रोजगारों की ओर रुख कर लिया है, लेकिन बुजुर्गों के कांपते हाथ इस पुरातन संस्कृति को थामे हुए हैं। वो चाक पर मिट्टी के बर्तनों और दीपकों को आकार दे रहे हैं। पिछले साल जिस तरह मिट्टी के दीपकों की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है, ऐसे में बेहतर और सुनहरे भविष्य की आस से बुजुर्गों के साथ युवा भी आगे आने लगे हैं। जो स्वदेशी का जो बनता है वो अपने मजदूरों के लिए काम आएगा, क्या अब बाहर का लाएंगे तो वो कमाएगा, अपन को क्या मिलेगा। जिस तरह दीपावली की दस्तक देते ही कुम्हार मोहल्ले में मिट्टी के बर्तनों दीपकों का निर्माण शुरू हो गया है, बुजुर्गों के साथ युवाओं ने भी चाक पर निर्माण के साथ बाजार में बेचने तक की कमान संभाल ली है। बाजार में दीपकों की मांग देखते हुए मिट्टी उद्योग से जुड़े लोगों में उत्साह का माहौल है। ऐसे में कुम्हारों को उम्मीद है कि इस बार उनके घर के दिए भी रोशन हो उठेंगे। सिरोही से लियाकत अली की रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और इस पर हमारे संवाददाता लियाकत अली फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लियाकत, अभी हम सुन रहे थे कुम्हारों को उम्मीद है, भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से योजनाएं चला रहे हैं उसका लाभ उनको भी होगा, लेकिन हर बार दीपावली पर जिस तरीके से चाइनीज चीजों की मांग बढ़ जाती है, इस बार के हालात क्या कहते हैं? क्या इस बार जो कुम्हारों के दिए हैं वो भी रोशन हो पाएंगे? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से ये कुम्हार समाज के लोग कई वर्षों के हाथ से निर्मित करते ये दिए हैं, लेकिन आज चाइनीज मार्केट इतना इंडिया पे हावी हो गया है, जिसकी बदौलत ये लोग यानी मेहनत पूरी करते हैं लेकिन इनको उचित दाम नहीं मिलने की वजह से कहीं ना कहीं ये लुप्त होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में पीएम मोदी मेक इन इंडिया के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया में अगर इसको एक इनको भी सहायता मिल जाए तो कहीं ना कहीं इनके जो हाथ से ये दिए निर्माण होते हैं, इनको एक इनके घर के दिए बन, इनके घर पे रोजगार चलेगा, साथ ही इनको कहीं ना कहीं एक आसरा मिलेगा और भारतीय संस्कृति जो ये लुप्त हो रही है इसको भी बढ़ावा मिलेगा। लियाकत, आप तो लगातार इन तमाम चीजों पर नजर बनाए रहते हैं, अब इस बार की अगर बात की जाए तो बाजारों में कितनी बड़ी तादाद में लोग इस तरह के दिए खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, कुम्हारों के दिए खरीदते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आजकल जो लोकल जो लोग होते हैं वो ही खरीद रहे हैं, बाकी जो आजकल फैंसी डिजाइनिंग वगैरह चाइनीज माल आता है तो जिसको लेकर लोगों में क्रेज भी रहता है, लेकिन आखिरकार ये जो बनाए जाते हैं दिए, ये वास्तविक यानी अपनी परंपरा को बढ़ावा देने के लिए, और हम प्राइम न्यूज के चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे इन दियों को
खरीदे और चाइनीज डीओ के बदले इनका उपयोग करे ताकि अपने इंडिया के ये जो लोग कलाकारी है ये जीवित रह सके कहीं ना कहीं। बिल्कुल, लोगों को सोचना होगा लियाकत, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि चाइनीज चीजों की मांग बढ़ी है, वो इसलिए भी क्योंकि सस्ती भी होती है और कहीं ना कहीं वैरायटी भी लोगों को मिलती है। पर पिछले कुछ समय से लगातार चाइनीज चीजों के खिलाफ भी लोगों में रोष देखा गया है, ऐसे में क्या अब इन दीयो की मांग पर उसका असर दिखाई दे रहा है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कुछ दिनों के लिए बहिष्कार का चीज का शब्द आता है कि बाहर की चीजों को हम नहीं खरीदेंगे, लेकिन जैसे ही समय निकल जाता है लोग उन चीजों को, लोग फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ पैसों के दाम देखते हैं कि हमें कितना फायदा हो रहा है, जिसकी बदौलत ये लोग आज तो पहले 100 काम करते थे, आज 10 लोग ही ये काम कर रहे हैं और धीरे धीरे ये लुप्त हो रही है प्राचीन संस्कृति। चलिए शुक्रिया लियाकत ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो कुम्हारों के दिए भी क्या रोशन हो पाएंगे, बड़ा सवाल इस बार एक बार फिर से बन गया, लेकिन कुम्हारों को उम्मीद है कि अब उनके बनाए गए दियों की भी मांग बढ़ेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम।